रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। एक प्रेस में इस बात को कहा था कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। कल पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी, आज थोड़ा मैं विस्तार से राहुल गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। This campaign is based upon falsehood, misrepresentation and deliberate twisting of facts. आज मैं विस्तार से राहुल गांधी के इस पूरे आचरण को रखूंगा, थोड़ा ये लंबा रखूंगा, बाद में आपका इसका रिटर्न नोट भी मिलेगा और फिर जो जवाब होगा आपके प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा, तो थोड़ा मुझे आप समय दीजिए। पहली बात, राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश हैं। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब इस 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं, कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 343,562 लोग मरे हैं। आउट ऑफ दीज 15 कंट्रीज हैविंग 142 करोड़ पॉपुलेशन अफ्लिक्टेड मैक्सिमम बाय कोरोना, the total death till yesterday evening 6:30 as per WHO report is 343,562। भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी 15 देशों की, कुल दुखद मृत्यु 343,562, भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345 और रिकवरी कितनी है 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं, दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, एंड बिकॉज ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, उसका नतीजा हमारे सामने है, ये उनको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं, देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की। इसको चार खंडों में मैं रख रहा हूं,
is spreading negativity, working against the nation during crisis. तीसरा hungry for false credit. चौथा say one thing, does something else. और पांचवा है misinformation और fake news. अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आग्रह किया कि डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए हम लोग ताली बजाएं, घंटी बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर घंटी बजाई, ताली बजाया, और पूरी दुनिया उस ताली बजाने के मॉडल को फॉलो कर रही है. राहुल गांधी का ट्वीट क्या था मार्च 21 को, मैं ट्वीट पढ़ता हूं. उन्होंने कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी. आज नगद टैक्स मदद, टैक्स ब्रेक, कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाएं. तो पहला काम तो उन्होंने, जब पूरा देश ताली बजा रहा है तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया. याद होगा कि मोदी जी की अपील पर देश में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह आग्रह हुआ था कि देश के लोग दिया जलाएं. और आपने कई टीवी चैनल पर, अखबारों में दिखाया होगा कि गरीब लोगों ने अपने टेंट पर फुटपाथ के किनारे भी दिया जलाया था देश की एकता को मजबूत करने के लिए. राहुल गांधी ने क्या कहा, इंडिया इज सिंपली नॉट टेस्टिंग एनफ टू फाइट COVID-19 वायरस, मेकिंग पीपुल क्लैप एंड शाइनिंग टॉर्चेस इन द स्काई isn't going to solve the problem. जबकि विपक्ष के बहुत से नेताओं ने भी ताली भी बजाई, घंटी बजाई और दिया भी जलाया, तो राहुल गांधी का यह हाल था. अब आप देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, कोरोना की लड़ाई में उन्होंने देश की एकता को खंडित करने वालों को भी अपनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए प्रयास करने वालों या उसको पब्लिसाइज करने वालों. याद होगा कि पुलिट्जर अवार्ड मिला था दर यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद को उनके फोटोग्राफी के लिए. उनको मिला, ये उनका विषय है. लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनको बुरी काफी उनका अभिनंदन किया. वो ट्वीट सबके सामने है, कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद फॉर विनिंग ए पुलिट्जर प्राइज फॉर देयर पावरफुल इमेजेस ऑफ लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर, यू मेक अस प्राउड. ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ना, अभी बड़े नेता हैं. और जो एपी के सीईओ कैरी प्रूट हैं, उन्होंने क्या कहा, थैंक्स टू द टीम इनसाइड कश्मीर the world was able to witness a dramatic escalation of the long struggle over region's independence. Their work was important and superb. To associated press ke ceo us photograph ke puraskar ko kashmir ke azadi ke andolan ka ek prakhar bindu bana rahe hain, aur rahul gandhi unki tareef mein tweet kar rahe hain. iska kya matlab nikala jaye, वो भी तब जब देश को एक होकर लड़ाई करना चाहिए और आज कश्मीर में शांति और आतंकवादी एक प्रकार से भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं जो कुछ बचे हुए. नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाया जाए, क्या क्या हल्ला किया चुनाव में इन्होंने, मोदी जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया नीरव मोदी को लेकर. और उनके कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट वर्कर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अभय टिप्से, वो एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में लंदन के कोर्ट में अपना ओपिनियन भेजते हैं कि नीरव मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता. राहुल गांधी, ये आपकी कथनी और करनी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इनको दिल्ली में ज्वाइन कराया था. पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी, जज साहब वही हैं जिनका रिटायरमेंट के 8-10 महीना पहले मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर हुआ, ही वॉज ट्रांसफर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. अब देखिए,
अपनी पब्लिसिटी और क्रेडिट के लिए उतावलापन, जो भिलवाड़ा मॉडल है, इस पर सोनिया जी ने कहा कि राहुल गांधी की वार्निंग के कारण भिलवाड़ा में कोविड को नियंत्रित किया गया। ये चर्चा आप लोगों ने देखी होगी, तो मैं और तो नहीं कहूंगा, वहां की किस्मत गुर्जर एक सरपंच है, उसने कहा कि भिलवाड़ा में जो भी सफलता मिली है वो वहां के लोगों के प्रयास के कारण है। कृपया करके राहुल गांधी को इसका पुरस्कार न दिया जाए। उसका ट्वीट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, उसका कमेंट भी आया है, ये आप लोगों ने देखा होगा। सबसे तो झूठा क्रेडिट करने की कहानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से आती है। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड दैट वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन रिकग्नाइज बाई द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर इट्स एक्सलेंट रिजल्ट इन टैकलिंग कोविड 19। और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया था, वो भी अखबार में छपा है। फुल लिस्ट ऑफ 7 केरला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज कोविड हॉटस्पॉट, वो डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, मलमपुरम, एर्नाकुलम एक्सेट्रा। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हॉटस्पॉट बोल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसकी तारीफ की है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो उन्होंने कल कहा है, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। मिस्टर राहुल गांधी, इफ लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन, Why does your chief minister do not listen to you? Beat Maharashtra, beat Rajasthan, beat Punjab. आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेवारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई आज वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। अब फिर राहुल गांधी ने एक बात और कह दी कि सेंटर न्याय स्कीम लाए। तो हमें नसीहत देने के पहले आपकी प्रदेश सरकारें सब न्याय स्कीम क्यों नहीं लाती हैं, जो आप न्याय स्कीम सुझाने की कोशिश कर रहे हैं? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है, 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20,00,000 करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। तो फिर भी इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की एक प्रकार से फितरत बन गई है। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी तस्वीर भी दिखाई। इस समय वो ड्रामा करना कितना जरूरी था, एक अलग विषय। माइग्रेंट वर्कर को लेकर हमको सबों को चिंता है, वो पीड़ा में है, घर जाना चाहते हैं, भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लाखों चले गए, शायद यूपी में लगभग 1,000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके, बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं। फिर भी इसको अनावश्यक इश्यू बनाना, सहयोग का अभाव, ये आपसे हम कहना चाहते हैं।
फिर कहेंगे हम सबों को कि पूरी सहानुभूति है इन हमारे जो मजदूर आ रहे हैं, ये पीड़ादायक है। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि उनको राहत मिले, राहत मिल भी रही है, फ्री राशन, भोजन, बाकी सब व्यवस्था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो कुछ तो परेशानी होती है, तो हम लोग को सबको मिलकर काम करना है कि नहीं करना है? तो इनका काम आलोचना करना, और इनकी सरकार, इनकी प्रदेश सरकार इनकी भी नहीं सुनती है, सहयोग करने के ऊपर। अब फिर क्या इन्होंने कहा, इनका मैं ट्वीट पढ़ता हूं। जस्ट 3 days ago, I had requested PM of India to pass the benefit of global oil price crash to Indian consumers by slashing the price on petrol duty. ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, और शब्द क्या किया, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं सामान्यतः मेरा स्तर वो नहीं है शब्द का प्रयोग करने का इनके ट्वीट में। इनके ट्वीट कौन लिखता है, उसको देखते हैं नहीं देखते हैं, उस पर होमवर्क होता है कि होता है, पहला ट्वीट दूसरा ट्वीट पहले से अंतर्वर्ती तो नहीं है, ऐसा कोई होमवर्क भी नहीं होता है। अब हमको नसीहत दे रहे हैं तो देखा जाए, राजस्थान का जो वैट हाइक बढ़ा तो और पेट्रोल बढ़ गया। पंजाब गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर 2 rupees एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाया। तो राहुल गांधी जी, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं, आप जरा हमें बता दीजिए, आप देश को क्या समझाने निकले? तो या तो फिर मैं कहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उसमें वजन नहीं है, या आप इस महान लड़ाई के संकल्प के महत्व को नहीं समझते। तो क्या मैं ये मानूं कि योर चीफ मिनिस्टर्स आर इग्नोरिंग योर एडवाइस मिस्टर राहुल गांधी? देश ये भी जानना चाहता है। मित्रों, 2-3 बातें बस और थी। उन्होंने श्रमिक कानून को लेकर भी बड़ा विषय बवाल खड़ा कर दिया, और महाराष्ट्र ने लेबर लॉ को बदलने की कोशिश की है, ये अखबारों में छपा है। राजस्थान ने 12 घंटे के काम का निर्णय करने का प्रयास शुरू हो गया है, ये भी अखबार में छपा है। तो फिर आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मानते? मित्रों, आते हैं फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन पर। ICAMR, ये बहुत ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अच्छा काम कर रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या क्या ट्वीट कर दिए कि प्रॉफिटियरिंग ऑफ जो चीजें हो रही है खरीदारी में, प्रधानमंत्री इस पर हस्तक्षेप करें, और पहली बार ICAMR को ये पब्लिकली कहना पड़ा कि हमने ऐसा कोई परचेज नहीं किया है जिस रेट पर राहुल गांधी कह रहे हैं, 4,500 पर किट पर। उन्होंने कहा लोएस्ट को हमने खरीदा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं पाई गई, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको एक पेमेंट नहीं किया। तो अब राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोध में इतना अधिक आगे बढ़ गए हैं कि जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन पर भी झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अब उन्होंने एक और ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए, वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया, और बाकी जो उनकी हस्तरहीन आरोप होते हैं वो लगाया गया। देश के वित्त मंत्री निर्मला जी ने उनका जवाब दिया कि राहुल गांधी जी, डिफॉल्टर और बैड लोन और राइट ऑफ में अंतर समझते हैं आप? और तब फिर उनको नसीहत दी गई कि 2009-10 से 13-14 के बीच में, जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी के पूरे कंट्रोल में थे, तो उस समय उनकी सरकार ने 1,45,226 करोड़ के बैंक लोन को राइट ऑफ किया था। आई अगेन रिपीट, बिटवीन 2009-10 and 2013-14, when मनमोहन सिंह fully under the control and influence of Rahul Gandhi was the Prime Minister, a huge amount of 1,42,226 crores of bank loans were written off. तब क्या कर रहे थे आप?
तो फिर झूठे आरोप लगाना, वही बात उन्होंने रेलवे के मजदूरों के टिकट की बात की कि टिकट का भाड़ा वसूला जा रहा है। बार बार कहा गया कि रेलवे मंत्रालय 85% दे रहा है, बाकी 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही हैं। ये सारी बातें उनको बताई गई, बार बार देश के सामने आई हैं, फिर भी यही सवाल करना। और मित्रों, जहां तक फेक न्यूज का सवाल है, आरोग्य सेतु, मेरा अपना आईटी विभाग देखता है, आज देश के 11 करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है। हमने इसका ओपन सोर्स भी कर दिया है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। ये आपको सावधान करता है, ये आपको आगाह करता है, अगर आप किसी के संपर्क में आए तो फिर ग्रीन से येलो होता है, फिर रेड होता है, और ये पूरा इंक्रिप्टेड है और प्राइवेसी की पूरी चिंता है। मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है इसमें 180 दिन के बाद एक भी डेटा नहीं रहेगा। अगर जो लोग प्रभावित हो जाते हैं तो हम उनके जिले में उनका डेटा भेजते हैं, ताकि उनके गांव, उनके परिवारों को सावधान किया जाए। तो आरोग्य सेतु पर तो सर्विलेंस का आरोप लगाए, और उनकी सरकार में महाराष्ट्र और पंजाब में महाकवच बनकर के काम हो रहा है। पंजाब सरकार ने कोवा बनाया है, तो क्या ये सर्वेलेंस कर रही है क्या? फिर वही सवाल, राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानते? आपने उनको क्यों नहीं मना किया कि इस ऐप का प्रयोग मत करो बीमारी को सावधान करने में? और मित्रों, एक डॉक्टर कामना कक्कर का एक झूठा वीडियो आया था, ट्वीट, कि N95 मास्क नहीं मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है। बाद में उस डॉक्टर ने क्या कहा, मैं उनका ट्वीट पढ़ता हूं, कामना कक्कर का, आई अपोलोजाइज फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन पैनिक क्रिएटेड, N95 मास्क आर अवेलेबल इन आवर इंस्टीट्यूशन। और राहुल गांधी ने क्या कहा, आई एम फीलिंग सैड बिकॉज दिस वॉज कंप्लीटली अवॉइडेबल, वी हैड टाइम टू प्रिपेयर, वी शुड हैव टेकन दिस स्टेप मच मोर सीरियसली एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जिस डॉक्टर ने माफी मांग करके अपने ट्वीट पर सफाई दे दी, उसको लेकर देश में बड़ा बखेड़ा खा गया। मित्रों, मैंने राहुल गांधी की बहुत सारी कहानी आपको बताई, इन कहानियों से क्या संकेत मिलता है? राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। द सीरीज ऑफ पब्लिक क्वेश्चनिंग कमेंट्स विच आई हैव आउटलाइंड सिंस मार्च कंक्लूसिवली शोज दैट राहुल गांधी इज एक्टिंग इन द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल मैनर। राहुल गांधी इज ट्राइंग टू मिसलीड द नेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राहुल गांधी इज रिजॉर्टिंग टू फॉल्सहुड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ये सब तथ्य मैंने आपको बता दिए, इसका लिखित नोट आपको मिल जाएगा। ये बहुत पीड़ा की बात है कि राहुल गांधी इस महान पीड़ादायक अभिशाप जो कोरोना है, जिसमें हमें मिलकर लड़ना है, और देश मिलकर खड़ा है मोदी जी के साथ, और उसको सफलता मिली है, जैसा मैंने पहले बताया, कम मौतें हुई हैं, फिर भी हमें संघर्ष करना है। आज हम डॉक्टरों का अभिनंदन करते हैं, पूरे पैरामेडिक स्टाफ का अभिनंदन करते हैं, पुलिस वालों का करते हैं, जिस हिम्मत के साथ मीडिया के लोग फील्ड में घूमकर तथ्यों को सामने ला रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। इनका काम है सिर्फ लोगों को डिमोरलाइज करना, और शुद्ध राजनीति लाभ लेने की कोशिश करना। तो मैं राहुल गांधी को यही कहूंगा, राहुल गांधी जी, आप तो बार बार हार जाते हैं, और ये जो आपका लक्षण है, तो आपकी पार्टी का भविष्य आगे क्या होगा ये देश जनता समझ रही है, लेकिन कभी तो जिम्मेवार बनिए। क्या देश में हर समय हम राजनीतिक लाभ की बात करेंगे? एक बार आप कोरोना के खिलाफ देश के लोगों की लड़ाई में देश के लाभ के लिए खड़े होते, तो शायद आप अपने उस पुरानी विरासत को थोड़ा सा सही कह पाते, जिसके बिना पर आज अपनी जगह पर है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। धन्यवाद।
अब हम कुछ लोगों से प्रश्न लेंगे, आप लोगों से आग्रह है जिन लोगों के पास कोई सवाल है कोई जाता है तो कृपया बॉक्स में अपना नाम भेजें और जिनका मैं नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। उससे पहले अमित कुमार जी से मेरा आग्रह है कि अपना सवाल पूछे, मुझे अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछे। सबसे मेरा सवाल है सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन का एग्जिट प्लान है वो अपग्रेडेड होना चाहिए और तो रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया और कह दिया कि पिछले दिनों से जो राहुल गांधी कर रहे हैं यानी कि कोरोना काल में जबकि पूरा देश एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसमें राहुल गांधी गैर जिम्मेदार के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने जितने भी बयान दिए हैं वो सब गैर जिम्मेदाराना है। सुनिए वाद पलटवार। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस में इस बात को कहा था कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। कल पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी, आज थोड़ा मैं विस्तार से राहुल गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि लॉकडाउन गलत था तो क्यों कांग्रेस शासित राज्य जो है केंद्र की बात मान रही है। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपकी आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं, इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे, जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे, जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको आप क्या, उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है, तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा, 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं,
बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश हैं। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब इस 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 343,562 लोग मरे हैं। आउट ऑफ दीज 15 कंट्रीज हैविंग 142 करोड़ पॉपुलेशन अफ्लिक्टेड मैक्सिमम बाय कोरोना, द टोटल डेथ टिल यस्टरडे इवनिंग 6:30 एज पर WHO रिपोर्ट इज 343,562। भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी 15 देशों की, कुल दुखद मृत्यु 343,562, भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345, और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।